बीते कई दिनों से अक्षय कुमार की जिस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार आज उसका ट्रेलर रिलीज हो ही गया। जी हाँ, सही सुना आपने। बता दें कि आज यानी 11 अक्टूबर को बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की नई फिल्म राम सेतु का शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। और वहीं इस फिल्म में अक्षय के अलावा जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें और इस फिल्म को लेकर क्या है लोगों के रिव्यूज। जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से जाहिर है कि फिल्म की कहानी राम सेतु पर आधारित है, जो कि एक दमदार विषय भी है। बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, जो कि ये जांचने का काम कर रहे हैं कि राम सेतु सच है या सिर्फ कल्पना। इस ट्रेलर में अक्षय कुमार को उनकी टीम के साथ राम सेतु की खोज करते हुए दिखाया गया है और इसके बाद अक्षय कुमार का सामना राम सेतु से जुड़े एक रहस्य से होता है, जिसे वह सबके सामने लाना चाह रहे हैं। 2 मिनट 9 सेकंड का ये ट्रेलर बहुत सारे एक्शन, थ्रिलर और रोमांस से भरा हुआ है, जिससे साफ जाहिर होता है कि राम सेतु एक एक्शन एडवेंचरस मूवी है, जो कि आने वाले 25 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी और इसके बाद राम सेतु अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। वहीं इस फिल्म का ट्रेलर जब से सामने आया है, तभी से इसे लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोगों को राम सेतु का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ट्रेलर को देखने के बाद नेगेटिव रिव्यूज भी दे रहे हैं, जिसके मुताबिक कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मेकर्स और फैंस को अक्षय की इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि रिलीज के बाद अक्षय की ये फिल्म सिनेमा घरों में कितना धमाका करती है, ये जल्द ही दिवाली के बाद पता चल ही जाएगा। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।